वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीगणेशाय नमः नमस्कार इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सदगुरु वंदना करते हैं हमारे आस्था केंद्र जो भी हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और इस श्लोक को दोहराते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरु गुरुदेव महेश्वरा गुरु, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मी श्री गुर नम हिंदू जनजागृति समिति द्वारा प्रस्तुत धार्मिक कृतियों का शास्त्र इस कार्यक्रम के अंतर्गत सत्संग श्रृंखला में हम देख रहे हैं विशेष धर्म सत्संग दीपावली इस सत्संग श्रृंखला के पिछले सत्संगों में हमने दीपावली का पूर्वायोजन गोवत्स द्वादशी का महत्व धन त्रयोदशी मनाने के कारण एवं यम दान के विषय में जानकारी प्राप्त की साथ ही नरक चतुर्दशी का महत्व तथा उस दिन की जाने वाली धार्मिक विधियों के संदर्भ में भी विस्तार से समझ लिया शक संवत अनुसार आश्विन अमावस्या तथा विक्रम संवत अनुसार कार्तिक अमावस्या का दिन दीपावली का एक महत्वपूर्ण दिन है समझ लेते हैं दीपावली के काल में आने वाली अमावस्या का महत्व सामान्यतः अमावस्या को अशुभ मानते हैं परंतु दीपावली काल की अमावस्या शरद पूर्णिमा अर्थात कोजागिरी पूर्णिमा के समान ही कल्याणकारी एवं समृद्धि दर्शक हैं इस दिन करने योग्य धार्मिक विधियां हैं एक लक्ष्मी पूजन दो अलक्ष्मी निस्सारण दीपावली के इस दिन धन संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान है दीपावली की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय श्री लक्ष्मी जी का आगमन सदगृहस्थों के घर होता है घर को पूर्णतः स्वच्छ शुद्ध और सुशोभित कर दीपावली मनाने से देवी श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं इसीलिए इस दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और दीप जलाते हैं संभव श्री लक्ष्मी पूजन की विधि सपत्नी करते हैं आइए अब एक दृश्यपट द्वारा समझ लेते हैं श्री लक्ष्मी पूजन की विधि श्री लक्ष्मी पूजन के लिए इस प्रकार विशेष सिद्धता की जाती है पूजा के आरंभ में आचमन किया जाता है उपरांत प्राणायाम एवं देशकाल कथन किया जाता है तदुपरांत लक्ष्मी पूजन एवं उसके अंतर्गत आने वाले अन्य विधियों के लिए संकल्प किया जाता है लक्ष्मी पूजनम करिषे संकल्प के उपरांत श्री महागणपति पूजन के लिए ताम्र पात्र में रखे नारियल में षोड़शोपचार पूजन के लिए महागणपति का आवाहन किया जाता है तदुपरांत कारपास वस्त्र चंदन पुष्प एवं दुर्वा हल्दी कुमकुम -कुम, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि उपचार अर्पित कर पूजन किया जाता है श्री गणपति दिशाओं के स्वामी हैं, इसलिए प्रथम से महागणपति पूजन करने से सर्व दिशाएं खुल जाती हैं परिणाम स्वरूप सर्व देवता तत्वों के तरंगों को बिना किसी अवरोध पूजन विधि के स्थान पर आना सुलभ होता है श्री महागणपति पूजन के उपरांत करते हैं वरुण तथा अन्य देवताओं का आवाहन और पूजन श्री महागणपति पूजन के उपरांत कलश शंख घंटा दीप इन पूजा के उपकरणों का पूजन किया जाता है तत्पश्चात जल प्रोक्षण कर पूजा सामग्री की शुद्धि की जाती है इसके पश्चात वरुण देवता की स्थापना के लिए चौके पर अखंड चावल फैलाए जाते हैं चावल पर कलश रखा जाता है कलश में जल डाला जाता है उपरांत कलश में भरे जल में चंदन आम्र पल्लव सुपारी एवं सिक्का रखा जाता है कलश को वस्त्र अर्पित किया जाता है तदुपरांत कलश पर अखंड चावल से भरा पूर्ण पात्र रखा जाता है इस पूर्ण पात्र में रखे चावल पर कुमकुम -कुम से अष्टदल कमल बनाया होता है कलश को अक्षत समर्पित कर उसमें वरुण देवता का आवाहन किया जाता है उपरांत चंदन हल्दी कुमकुम अक्षत एवं पुष्प अर्पित कर पूजन किया जाता है पूजन करने के उपरांत चावल से भरे पूर्ण पात्र पर अक्षत अर्पित कर सर्व देवताओं का आवाहन किया जाता है अष्टदल कमल के कारण उस स्थान पर शक्ति के स्पंदनों का निर्माण होता है ये शक्ति के स्पंदन सर्व दिशाओं में प्रक्षेपित होते हैं इस प्रकार पूर्ण पात्र में बना अष्टदल कमल यंत्र के समान कार्य करता है अब हम समझ लेते हैं श्रीलक्ष्मी तथा कुबेर का आवाहन एवं पूजन कलश पर रखे पूर्ण पात्र में श्री लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है उसके निकट द्रव्यनिधि रखा जाता है उपरांत अक्षत अर्पित कर ध्यान मंत्र बोलते हुए मूर्ति में श्रीलक्ष्मी तथा द्रव्य निधि पर कुबेर का आवाहन किया जाता है उपरांत श्री लक्ष्मी की मूर्ति एवं द्रव्यनिधि स्वरूप कुबेर को अभिषेक करने हेतु ताम्रपात्र में रखा जाता है अब श्री लक्ष्मी एवं कुबेर को आचमनी से जल छोड़कर पाद्य अर्घ्य स्नान आदि उपचार अर्पित किए जाते हैं तत्पश्चात दूध यस्ना समर्पया दही श्रीलक्ष्मीकुबेराभ्या दधिस्नापया घी वृतस्ना सामपयामी मधु एवं शर्करा से अर्थात पंचामृष्ट स्नान का उपचार किया जाता है उपरांत गंधोदक एवं उष्णोदक स्नान का उपचार किया जाता है पुष्प अर्पित किया जाता है श्री लक्ष्मी व कुबेर को अभिषेक किया जाता है श्री लक्ष्मी जातवेदो मावा ताम मावो जातवेदो लक्ष्मी मनोपगामिनीम यस्यां हिरण्यं विन्देयं काम अभिषेक के उपरांत श्रीलक्ष्मी एवं कुबेर देवता को स्वच्छ वस्त्र में पहुँच पुनः पूर्व स्थान पर रखा जाता है उपरांत वस्त्र कार्पास निर्मित वस्त्र समर्पयामि अभ्यान नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि गंध ईश्वरीम सर्वभूतानां तामि उपवये तस्मा हल्दी कुमकुम कंकणादि सौभाग्य अलंकार पुष्पमाला अर्पित की जाती है उपरांत श्री लक्ष्मी के प्रत्येक अंग का उच्चारण कर अक्षत अर्पित की जाती है इसे अंग पूजा कहते हैं ओम धात्रयी नमः कटिम ओम तुष्टय नमः ललाटम पूजयामि ओ इंदिराय नम पूजयामि पूजयामी श्री लक्ष्मी की पत्र पूजा की जाती है इसमें सोलह विभिन्न वृक्षों के पत्र अर्पित किए जाते हैं पद्मायै नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि ॐ धात्र्यय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि ॐ भूत्यै नमः दाडिमीपत्रं समर्पयामि ॐ ईश्वर्यै नमः अगस्तिपत्रं समर्पयामि यहाँ सत्संग के इस भाग की समाप्ति होती है श्री लक्ष्मी पूजन से संबंधित कुछ अन्य विषय बिंदु समझ लेते हैं एक विराम के उपरांत श्री गणेशाय नमः पूर्वाध में हमने दृश्यपट द्वारा श्री लक्ष्मी पूजन की विधि देखी इसमें श्री लक्ष्मी जी को विविध पत्र अर्पण करने के उपरान्त धूप दीप आदि उपचार समर्पित किए जाते हैं लक्ष्मी व कुबेर को नैवेद्य चढ़ाया जाता है प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा श्री लक्ष्मी देवी के पूजन में धनिया बतासे चावल की खिले गुड़ इनके साथ लौंग इलायची दूध आदि से बनाए खोए का उपयोग अनिवार्य होता है इन घटकों में से प्रत्येक घटक का कार्य भिन्न होता है एक लौंग तमोगुण का नाश करती है दो इलायची रजोगुण का नाश करती है और तीन दूध एवं शक्कर सत्वगुण में वृद्धि करते हैं यही कारण है कि इन घटकों को त्रिगुणावतार कहते हैं अंत में देवी की आरती उतारकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की जाती है मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामी हमने श्री लक्ष्मी पूजन की कृति समझ ली दीपावली के दिन श्री लक्ष्मी पूजन करने से सूक्ष्म स्तर पर होने वाली प्रक्रिया समझ लेते हैं हिंदू जनजागृति समिति के सूक्ष्म चित्रकार साधिका कुमारी प्रियंका लोटलिकर जी द्वारा चित्रित एक सूक्ष्म चित्र द्वारा लक्ष्मी पूजन के सूक्ष्म परिणाम पूजा करने वाले पति पत्नी दोनों पर होता है परंतु सुविधा हेतु चित्र में एक ही व्यक्ति पर दर्शाए हैं श्री लक्ष्मी का स्मरण कर भाव सहित पूजन करने से पूजक में भाव का वलय निर्मित होता है श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं कुबेर जी के प्रतीक स्वरूप स्थापित सिक्कों में ईश्वरीय तत्व का प्रवाह आकृष्ट होता है और उनमें ईश्वरीय तत्व का वलय निर्मित होता है शक्ति का प्रवाह श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा में आकृष्ट होता है और उसका वलय निर्मित होता है इस वलय द्वारा शक्ति के प्रवाहों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है शक्ति के ये प्रवाह पूजक की ओर भी प्रक्षेपित होते हैं और पूजक में उसका वलय निर्मित होता है शक्ति के कण पूजक के देह में और वातावरण में संचारित होते हैं श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं सिक्कों में ईश्वरीय चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है और प्रतिमा में उसका वलय निर्मित होता है इस वलय द्वारा वातावरण में चैतन्य के प्रवाह प्रक्षेपित होते हैं चैतन्य का एक प्रवाह पूजक की ओर भी प्रक्षेपित होता है और पूजक में चैतन्य का वलय निर्मित होता है वातावरण में चैतन्य के कण संचारित होते हैं पूजन के स्थान पर आनंद का प्रवाह आकृष्ट होता है इस प्रवाह द्वारा आनंद का वलय निर्मित होता है और आनंद के स्पंदनों का वातावरण में संचार होता है यह सूक्ष्म चित्र देखने से स्पष्ट होता है कि दीपावली के दिन किए गए श्री लक्ष्मी जी के पूजन द्वारा शक्ति और चैतन्य के स्पंदनों की निर्मित अधिक मात्रा में होती है तथा ये स्पंदन वातावरण में संचारित होते हैं इस दिन ब्रह्मांड की कक्षा में संपूर्ण लक्ष्मी पंचायतन प्रवेश करता है लक्ष्मी पंचायतन में कुबेर गजेंद्र इंद्र श्री विष्णु एवं श्री लक्ष्मी इन देवता तत्वों की तरंगे समाविष्ट रहती हैं अब देखते हैं लक्ष्मी पूजन के लाभ इनमें प्रथम है भक्ति भाव बढ़ना श्री लक्ष्मी पूजन के दिन ब्रह्मांड में श्री लक्ष्मी देवी एवं कुबेर इन देवताओं का तत्व अन्य दिनों की तुलना में तीस प्रतिशत अधिक मात्रा में प्रक्षेपित होता है इस दिन इन देवताओं का पूजन करने से व्यक्ति का भक्तिभाव बढ़ता है और तीन घंटों तक बना रहता है दीपावली के दिन श्री लक्ष्मी पूजन करने का दूसरा लाभ है सुरक्षा कवच का निर्माण होना श्री लक्ष्मी तत्व के मारक तरंगों के स्पर्श से व्यक्ति के देह के भीतर और उसके चारों ओर विद्यमान रजतम कणों का नाश होता है व्यक्ति के देह के चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण होता है दीपावली के दिन श्री लक्ष्मी पूजन करने का तीसरा लाभ है अनिष्ट शक्तियों का नाश होना श्रीलक्ष्मी पूजन के दिन अमावस्या का काल होने से श्री लक्ष्मी जी का मारक तत्व कार्यरत रहता है पूजक के भाव के कारण पूजन करते समय श्री लक्ष्मी जी की मारक तत्व तरंगें कार्यरत होती है इन तरंगों के कारण वायुमंडल में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों का नाश होता है इसके अतिरिक्त दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करने से पूजक को शक्ति का दो प्रतिशत चैतन्य का दो प्रतिशत आनंद का एक दशमलव पच्चीस प्रतिशत एवं ईश्वरीय तत्व का एक प्रतिशत मात्रा में लाभ मिलता है इन लाभों से श्री लक्ष्मी पूजन करने का महत्व समझ में आता है अब समझ लेते हैं अलक्ष्मी निस्सारण के विषय में अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता दैन्य और आपदा निस्सारण करने का अर्थ है बाहर निकालना लक्ष्मी पूजन के दिन नई झाड़ू खरीदी जाती है उसे लक्ष्मी मानकर मध्य रात्रि में उसका पूजन करते हैं उसकी सहायता से घर का कूड़ा निकालते हैं कूड़ा सूप में भरते हैं कूड़ा अलक्ष्मी का प्रतीक है उसे बाहर फेंका जाता है अन्य किसी भी दिन मध्य रात्रि में कूड़ा नहीं निकालते कूड़ा बाहर फेंकने के उपरांत घर के कोने कोने में जाकर सूप अर्थात छाछ बजाते हैं कूड़ा बाहर फेंकने की सूक्ष्म स्तरीय प्रक्रिया समझ लेते हैं ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते सनातन के साधिका श्रीमती अंजलि गाड़गर जी को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित सूक्ष्म चित्र द्वारा मध्यरात्रि में रश्तमात्मक तरंगों के सर्वाधिक निर्मिति होती है ये तरंगे घर में विद्यमान रश्तमात्मक कूड़े की ओर आकृष्ट होती हैं इस रचमात्मक तरंगों से भरपूर कूड़े को सूप में भरकर वास्तु से बाहर फेंकने से वास्तु की रचमात्मक तरंगे नष्ट होती हैं और वास्तु शुद्ध होती है इससे सात्विक तरंगे वास्तु में सरलता से प्रवेश कर पाती है वास्तु में श्री लक्ष्मी पूजन द्वारा आकृष्ट चैतन्य का लाभ बढ़ता है यहां इस सत्संग की समाप्ति होती है इस सत्संग में बताए गए शास्त्र के अनुसार कृति करने से आपको कोई अनुभूति हुई है कोई प्रश्न अथवा शंका है तो हमें अवश्य सूचित कीजिए कृपया सकाम अर्थात व्यावहारिक स्वरूप के प्रश्न न पूछें धर्माचरण विषय कोई प्रश्न अथवा शंका है तो अवश्य पूछें हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर है हमारा संपर्क सूत्र है हिंदू जन जागृति समिति पोस्टबॉक्स नंबर 46, फोंडा गोवा फोर ज़ीरो थ्री फोर नंबर इस 09370170704। एन ईमेल आईडी जीरो वन इस धार्मिक कृति एट जी डॉट कॉम अब हम सतगुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग को संपन्न करते हैं ओम सहना बवतु सहनौ भुन तू सह वीरकर करवावहै तेजस्वी नधी तमस्तुमा ओ शांति, शांति, शांति इसका अर्थ है परमात्मा हम गुरु शिष्य दोनों की एकत्रित रूप से रक्षा करें दोनों का प्रतिपालन करें हमें एकत्र ही पुरुषार्थ प्राप्त हों हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हों हम दोनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना न हो तथा त्रिविध ताप की शांति हो हमारी पुनः भेंट होगी अगले सत्संग में तब तक के लिए नमस्कार